हेलो गाइज, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और बहुत ही अच्छा दिन हो रहा है गाइज। आज दिल्ली में काफ़ी दिनों के बाद बारिश ख़त्म हुई है और थोड़ा सा सूखा सूखा सा लग रहा है दिल्ली में। तो गाइज, आज था शनिवार का दिन और शनिवार के इस दिन में मैंने सोचा कि चलो एक टेस्ट करते हैं अपनी कार के साथ। और अपना ऑफिस की भी छुट्टी थी तो आज एक समय ऐसा लगा कि चलो इस टेस्ट को करा जाए। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस टेस्ट को किया जाए लेकिन समय नहीं मिल रहा था और मतलब बारिश भी इतनी हो रही थी दिल्ली के अंदर। तो आज थोड़ा सा लग रहा है कि हिसाब बन सकता है। तो गाइस, टेस्ट जो है आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो टेस्ट ये है कि आज हम ये चेक करेंगे कि गाड़ी एक घंटे में सीएनजी पे, अगर हम एसी चला के चलते हैं मतलब आइडल पे रुके रहते हैं, तो कितना सीएनजी खाती है गाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ टेस्ट करेंगे और एक घंटे का ही मैं एक टाइम लिमिट जो है सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी देर लग जाएगी। एक घंटा ही बहुत है और ये बेसिकली गाइस उस पॉइंट पे हम कर रहे हैं टेस्ट कि अगर आपको कभी आप गाड़ी से हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं और आपको होटल्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन पे जब आपको गाड़ी के अंदर ही सोना पड़ जाए दो जनों के लिए, तो कितनी सीएनजी खाएगी गाड़ी अगर आप पूरी रात एसी चलाते हैं। तो हम गाइस एक घंटे का जो है टेस्ट कर लेते हैं और एक घंटे के बाद जितने भी घंटे आप सोते हैं तो उस हिसाब से सीएनजी पर किलो मल्टीप्लाई होती रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितने किलो या कितनी ग्राम सीएनजी लगती है एक घंटे में, तो वो हम चेक करेंगे। बाकी गाइस अभी जो है मेरी गाड़ी के अंदर ना सीएनजी जो है वो हाफ टैंक है, हाफ टैंक से एक पॉइंट नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे से अगर आपको दिख रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फुल सीएनजी करा लेता हूँ और अभी मैं पेट्रोल पे ही चल रहा हूँ। खैर, इसको फुल सीएनजी कराने के बाद, फुल टैंक कराने के बाद मैं पेट्रोल पे स्विच कर दूंगा, सीएनजी पे चलाऊंगा ही नहीं। और फिर उसके बाद जहाँ भी मैं गाड़ी लगाऊंगा वहाँ मैं एक घंटा आपके सामने सीएनजी पे करके एक घंटा गाड़ी के अंदर बैठ के, और उस टाइम पे सीएनजी हम कंज्यूम करेंगे कार के अंदर बैठ के। और फिर उसके बाद जैसे ही एक घंटा कंप्लीट होगा मैं पेट्रोल पे स्विच करके सीधा फिर सीएनजी पे हम जाऊंगा और सीएनजी फिल करा के और चेक करेंगे कितने की सीएनजी डलती है। तो उससे हमारे कि जितने भी किलोग्राम या जितने भी ग्राम सीएनजी डलेगी हमें एक आइडिया पता चल जाएगा और कितना खर्चा आता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस सीएनजी पंप यहाँ पर आ रहा है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ लाजवंती गार्डन में। तो लाजवंती गार्डन न्यू दिल्ली में जो एक सीएनजी पंप है वहाँ पर हम सीएनजी फिल कराते हैं। इस बहाने मेरी गाड़ी की सीएनजी भी फुल हो जाएगी और यहीं पर ही हम टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ सीएनजी पंप में और अपनी सीएनजी कितनी आती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। एज ऑलवेज गाइज, जैसे कि आप देख ही सकते हैं सीएनजी पंप में भीड़ मिल रही है। शनिवार का दिन है तो भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा मिल ही जाती है। तो कोई नहीं, 5-10 मिनट यहाँ पर वेट करते हैं और फिर उसके बाद हमारी सीएनजी फिल हो जाएगी पूरी। और फिर मैं यहीं कहीं आसपास, घर तो नहीं ले जा रहा हूँ लेकिन घर के आसपास ही कहीं गाड़ी अच्छी जगह लगा के जो है मैं टेस्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसी वीडियो के दौरान मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ, ये मतलब जितने भी ये टॉपिक्स लेके मैं आ रहा हूँ गाइस, इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मेरे चैनल पे अब जो है हम 3000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली अब हम हो गए हैं। तो गाइस आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप लोग काफ़ी कम्युनिकेटिव हैं इस पूरे मेरी इस यूट्यूब जर्नी में। आप लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं, आप लोग काफ़ी मुझे हौसला देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही गाइस बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि ये है कि मैं आपको और भी बहुत सारे इस तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी अच्छी ट्रिप्स करता रहूँगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करवाता रहूँगा। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड लाइक कीजिए और बस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में सीएनजी फिल कराने के बाद। गाइस सीएनजी तो मैंने जो है फुल करा ली लेकिन इस सीएनजी पंप में ना एक दिक्कत हो गई कि ना इसमें प्रेशर कम था और प्रेशर कम के वजह से ना सीएनजी पूरी तरीके से आ नहीं पाई। तो अब मैं एक और सीएनजी पंप जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा प्रेशर हो। आप देख सकते हैं सीएनजी पंप्स के जो सीएनजी के बार्स हैं वो पूरे नहीं आए हुए, तो वेस्ट ऑफ टाइम अगेन। तो अभी मैं जो हूँ एक और है, ये जो है तिहाड़ जेल का एरिया है सारा। तो यहाँ दो सीएनजी पंप है, तो जो दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते होंगे उन सबको पता होगा कि क्या है। तो
यहाँ से मैं सीएनजी डलवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितनी और आती है सीएनजी, क्योंकि अभी जो है सिर्फ 250 रुपये की सीएनजी आई। 250 रुपये की सीएनजी बहुत कम है। सीएनजी पंप में भीड़ अभी भी है और डलवा के फिर अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब जो है ना एक्यूरेट होगा और अब आप देख सकते हैं कि सीएनजी के जो बार्स हैं वो ना फुल हो गए हैं। तो अभी ना 1.5 किलो सीएनजी जो है और आई है, तो यही फर्क पड़ता है गाइज अच्छे प्रेशर और कम प्रेशर का। वहाँ कम था प्रेशर, यहाँ अच्छा खासा था, ठोक ठोक के डाली उन्होंने सीएनजी, मतलब मशीन ने। तो अभी मैं पेट्रोल पे ही कर रखा है मैंने स्विच, सीएनजी पे नहीं लगाया गाड़ी को। और अब मैं कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे अच्छा इंटरनेट चल रहा हो, ताकि भाई 1 घंटे का टाइम अच्छे से कट जाए। और क्योंकि अभी जहाँ वहाँ था ना मैं, वो सब तिहाड़ जेल का एरिया है, तो तिहाड़ जेल के एरिया के आसपास जाना पड़ से दूर थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारे में जैमर लगे हुए हैं और फ़ोन वोन नहीं चल रहा है। वहाँ पर मुझे पेमेंट करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं और गाड़ी लगाता हूँ, फिर आपके सामने सीएनजी पे करके और फिर इसको टेस्ट को करेंगे। तो गाइज एक जगह मैंने अच्छी खासी ढूंढ ली है और अब मैं यहाँ पर जो है कार को मैंने पार्क कर दिया है और अब मैं इस कार को सीएनजी पे करके सीएनजी पे लगा के इसका एसी जो है मैं फुल कर देता हूँ। तो अभी जो एसी है इसकी मैं सेटिंग्स बता देता हूँ आपको। गाइज ये पूरा मैंने लो टेम्परेचर पर कर रखा है और एसी का जो स्पीड है वो हम 2 कर देते हैं और बस यही है यहाँ पर। और अब मैं जो है आपके सामने, आप टाइम दे सकते हैं, 3:52 हो रहे हैं और 3:52 पे मैं इसको कर देता हूं सीएनजी पे। ठीक है गाइस, तो एग्जैक्ट 4:53 पे मैं आपको इस पे दोबारा इसको पेट्रोल पे करूंगा और पेट्रोल पे करने के बाद हम इस पे दोबारा सीएनजी फिल कराएंगे और फिर चेक करेंगे कि कितनी सीएनजी इसके अंदर डलती है। ठीक है, तो अब इसको चलने देते हैं और मैं थोड़ा सा टाइम वाइम पास करता हूँ अपना थोड़ा फ़ोन चला के, और उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। बाकी हाँ 15-20 मिनट में जैसे ही कुछ बार्स जो हैं डाउन होंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हाँ भाई अब एक बार डाउन हो गया, 2 बार डाउन हो गए। हालाँकि मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा बार्स डाउन होंगे भी, लेकिन देखते हैं कितना सीएनजी खाती है भाई 1 घंटे एसी में। सीएनजी भी मैंने कर दिया गाइस और एसी फुल है और अब यहाँ से हम करेंगे टाइम कैलकुलेट। तो गाइज वीडियो में बने रहिए क्योंकि जो रिजल्ट है वो हो सकता है काफी शॉकिंग भी हो और हो सकता है कुछ भी आ सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो गाइज वीडियो में बने रहिए। अभी जो है ना आधा घंटा गाड़ी में बैठे बैठे हो गया है और आधे घंटे बैठे बैठे मैं क्या देखता हूँ कि एक बार जो है सीएनजी का वो डाउन हो चुका है और देखना पड़ेगा कि अब गाइज कितनी देर और चलती है सीएनजी, क्योंकि अभी आधा घंटा और बचा है। तो 30 मिनट्स मोर टू गो और फिर हम यहाँ पर फिलअप कराते हैं अपनी सीएनजी का और चेक करते हैं कितनी डलती है। ठीक है, बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, एसी प्रॉपर चल रहा है, कट ऑफ हो रहा है बीच बीच में, टेम्परेचर जैसे ही अप डाउन हो रहा है और फिर उसके बाद देखते हैं कितनी और लगती है सीएनजी। तो वीडियो में गाइज बने। तो गाइज 1 घंटा कम्प्लीट होने में अब सिर्फ रह गए हैं 2 मिनट, तो 3:53 पे मैं कह सकता हूँ, चलो 3 पे जो था हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी, ये टेस्ट स्टार्ट हुआ था और अब जो है 4:50 हो गए हैं। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, कार के एसी में कोई भी तरीके का जो है दिक्कत नहीं आई। 60,000 मेरी जो है गाड़ी चल चुकी है अभी तक और 60,000 किलोमीटर में मतलब एसी वाइज जो है मारुति के किसी भी तरीके की कोई दिक्कत मुझे जो है आज तक कभी कोई चीज़ का फील नहीं हुआ कि हाँ भाई ठंडी नहीं कर रहा हो या गर्मी है, ट्रिप ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस गाड़ी की मैं गाइज जो है 8वीं सर्विस या शायद 9वीं सर्विस जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो करवाने जा रहा हूँ। तो 60,000 किलोमीटर की सर्विस जो है जहाँ तक है वो मैं इसकी वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या हुआ है पूरी 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो ये रहेगी और आज जो है हम ये टेस्ट कर ही रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी सीएनजी खपती है। ठीक है, तो अभी 4:51 हो गए हैं और अब जो है 4:52-53 पे हम ये टेस्ट को ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद मैं इसको करूँगा पेट्रोल पे, पेट्रोल के बाद सीधा इसको पेट्रोल पे ही सीएनजी पंप लेके जाएंगे और वहाँ हम इसकी सीएनजी फिल करेंगे। गाइस कमेंट कर दीजिए अभी के अभी कि आपको क्या लगता है कितनी सीएनजी डलेगी और मुझे प्रॉपर बताना कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि
एक घंटे के हिसाब से जितनी भी सीएनजी लगेगी वो हम एक कैलकुलेटिव एक अप्रॉक्स अमाउंट जो हम लेके चलेंगे, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि सीएनजी का जो प्रेशर होता है ना गाइज वो हर जगह स्टेट वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पे 200 था, 210 के करीब था, क्योंकि तभी सीएनजी इतने अच्छे से डली है, और अब जो है 452 हो गए। तो इस 453 पे होने के बाद इसको मैं आपके सामने लाइव जो है सीएनजी पंप में सीएनजी पे कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा होने देते हैं। आप देख सकते हैं कि सीएनजी के जो बार्स हैं वो अभी भी जो है फुल है, बस जैसे कि मैंने आपको बीच में अपडेट किया था कि एक बार जो है डाउन हो गया, ठीक है। तो अभी भी फुल्ली है सीएनजी, खैर, लेकिन 452 हो गए हैं, ठीक है। और अब मैं इसको जल्दी से 453 हो जाए, टाइम जल्दी निकले, और फिर मैं इसको पेट्रोल पे कर दूं। बाकी एक्सपीरियंस जो है भाई हमारा इस टेस्ट का काफ़ी अच्छा रहा, और प्लीज़ इस वीडियो को गाइज लाइक करना और शेयर करना। तो यहाँ गाइज 453 हो गए और मैं इसको करता हूँ पेट्रोल पे। आपके सामने मैंने पेट्रोल पे कर दिया कार, और अब सीएनजी पंप पे चल। गाइज ये वही सीएनजी पंप है जहाँ मैंने अभी सेकंड टाइम सीएनजी डलवाई थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा सही रहता है प्रेशर, और ठीक ही आ जाती है सीएनजी, ठीक है। पहले हमें यहाँ पर भीड़ नहीं मिली थी, अब यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तो कोई नहीं, वेट कर लेते हैं गाइज, और वेट मतलब ये सीएनजी डलवाने के बाद हमारे सामने रिजल्ट होंगे। तो गाइज अपना नंबर आने वाला है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सीएनजी आई है कार में, और बस यही रहेगा फिर आज हमारा टेस्ट है। नंबर भी जल्दी आ गया सीएनजी पंप में, बस एक गाड़ी और फिर उसके बाद अपनी बारी। तो गाइस सीएनजी मैंने फिल पूरी करा ली है, और पूरी सीएनजी टैंक फुल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर, और रिजल्ट मेरे सामने है गाइस। तो दिल्ली में जो सीएनजी का प्राइस है गाइस वो है 75 रुपीज पर किलो, ठीक है, और जो सीएनजी डली है वो डली है 51 रुपीज की, ठीक है। फोटो आपके सामने आ गई होगी, और फोटो में आप देख सकते हैं कि 680 ग्राम्स जो है सीएनजी डली है। तो गाइस अगर मैं बात करूं एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट को लेके, तो मैं मान सकता हूँ कि 500 ग्राम सीएनजी अभी हमारी कंज्यूम हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि पहले थोड़ा बहुत जो सीएनजी पूरी ढंग से नहीं भरी होगी, तो वो भी शायद पूरी फिल हो गई। 680 ग्राम जो है आई है, 680 ग्राम्स गाइस एक घंटे में सीएनजी जो है कंज्यूम किया हमारी वैगन आर ने। तो अगर हम इसको लमसम 500 ग्राम लें, अगर हम 500 ग्राम सीएनजी को ले लेते हैं, मतलब एक आइडिया लेके चलते हैं, तो गाइज हम 4 घंटे में, अगर आप 8 घंटे सोते हो गाड़ी के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आपकी 4 किलो सीएनजी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिल्ली के हिसाब से 50 रुपये में एक घंटा एसी में का हिसाब है, और यही है गाइज 50 रुपीज़ लिए कार ने हमारी, इस कार ने एक घंटा सीएनजी चलाने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक सही प्राइस है, और अगर आपको मतलब कभी ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में सो रहे हैं, तो फिर आप अपना हिसाब से ये देख सकते हैं कि हाँ इतनी अमाउंट की सीएनजी जो है हमारी वैगनार के थ्रू पर घंटे लगेगी, ठीक है। तो 50 और फिर 50 50 50 करके आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक सही अमाउंट है, और यही मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। अब हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले की सीएनजी अगर नहीं फिल होगी, मतलब पूरी अगर पहले से फिल नहीं होगी, फुल नहीं होगी, तो हो सकता है वो भी फुल अप हुई हो, तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये एक फेयर रिजल्ट है, और इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी का इस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, और कोई नॉलेज अगर आपको इससे मिले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ये वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई हमारा एक सीएनजी गाड़ी कितना जो है फ्यूल कंज्यूम करती है। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो